चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। बच्चों, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स आपको ट्रीट करते हैं ना, मेडिसिंस और इंजेक्शंस भी देते हैं, और फार्मर्स, उनको तो आप देखते ही हैं कि कितनी हार्ड वर्क से वो हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इसी तरह मिल्कमैन हमारे घर तक दूध देने आते हैं। ज़रा सोचिए, यदि ये हेल्पर्स हमारे बीच ना हो तो कैसी होगी हमारी लाइफ। आइए ये जानने के लिए सुनते हैं ये स्टोरी, इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कम्युनिटी हेल्पर्स। सोमू अपनी फैमिली के साथ चंद्रलोक कॉलोनी में रहता था। ही लव्ड हिज ग्रैंडफादर वेरी मच, और वह अपनी सारी बातें अपने ग्रैंडफादर से ही शेयर करता था। एक दिन स्कूल से आते समय सोमू की विशु से लड़ाई हो गई। रोज़ की तरह उस दिन भी विशु सोमू को बहुत परेशान कर रहा था। सोमू बिकेम वेरी एंग्री। ही केम बैक होम and said to his dadaji, dadaji, I don't want to live here. यहाँ पर सब मुझे परेशान करते हैं। विशु भी मुझसे रोज लड़ता है। Dadaji, please take me to a far off place where no one can fight with me. Really, dadu, I don't want to live here. We will never come back again. अरे, क्या हुआ? What happened, my child? Why are you so angry? इतना गुस्सा क्यों? Sit here and tell me what happened. No, दादाजी, I don't want to hear anything. बस आप मुझे कहीं और लेकर चलिए। We will live there together, and no one will be there to trouble me. Okay, my child, as you wish. Evening में जब तुम्हारे पापा घर आएंगे, then I will discuss it with him. Now be happy. Yes, दादाजी, I love you so much. Love you too, बेटा. Now, wash your hands and take your lunch. Somu became very happy and relaxed. Somu यह सोचते सोचते खुश हो रहा था कि अब दादाजी पापा से बात करके उसे कहीं बहुत अच्छी जगह लेकर जाएंगे. And with this imagination, Somu slept. While sleeping, Somu ने एक सपना देखा. He saw in his dream that he and his dadaji have gone to a hilly area and they started to live there in a tent. I am very happy, dadu. मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है और यहाँ तो कोई मुझे परेशान भी नहीं कर रहा है. Yes, you are looking so happy. Let's go, dear, and enjoy this awesome place. ये दादाजी, we will also play here for some time. Okay, let's go. Oh, look at the sun, beta. How beautiful! It looks like a red ball. दादू, look here. कितनी प्यारी चिड़िया है. Wow, so pretty and colorful. Now it's time to return. बेटा, अब रात भी होने वाली है. अरे नहीं दादाजी, अभी नहीं. ये देखिए कितना बड़ा ट्री है. दोनों ने कुछ दिन ऐसे ही खूब एंजॉय किया. लेकिन पता है बच्चों, सोमू ने सपने में आगे क्या देखा? उसने देखा कि उसके बाल बड़े हो गए थे, बट देयर वॉज नो बार्बर शॉप नियर बाई. उसे खाने के लिए अपनी फेवरेट फूड आइटम्स भी नहीं मिल पा रहे थे. वह अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता था, बट None of his friend was there to play with him. अब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसे अपने पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स की याद भी आ रही थी. और उसने सपने में यह भी देखा कि सोमू was playing with his dadu. Suddenly he fell down and got hurt. सोमू के पैर में चोट लग गई and It started bleeding. सोमू नींद में ही रो रो कर call the doctor चिल्ला रहा था. उसकी आवाज सुनकर दादाजी उसके रूम में गए
और उन्होंने सोमू को उठाया। सोमू वॉज लुकिंग वेरी स्केयर्ड और वह बार बार अपना पैर देखे जा रहा था। सोमू स्टार्टेड क्राइंग एंड सेड, दादाजी मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा आप सब के साथ। सोमू ने अपना ड्रीम भी दादाजी को सुनाया एंड सेड, देयर वॉज नो वन टू हेल्प अस। तब दादाजी ने सोमू को समझाया, आवर लाइफ इज टू डिफिकल्ट विदाउट आवर कम्युनिटी हेल्पर्स एंड नेबर्स। हमारी डेली लाइफ में हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारे घर में और हमारी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को झट से सॉल्व कर देते हैं। और बेटा, इन्हें तुम जानती भी हो, जैसे कॉबलर। यस यस आई नो कॉबलर मेंस आर शूज। टेलर, स्टिचेस आर क्लॉथ्स। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक गुड्स को रिपेयर करते हैं। और ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। मेसन, मेसन, मेसन तो हमारा घर बनाते हैं ना। शाबाश बेटा सोमू, इट मींस तुम सभी कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में जानते हो।